चले भाई, अब तक हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर एक चार्ज है और वो मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रहा हो तो उस पर फोर्स कितनी लगती है। तो जाहिर है अगर कोई चीज कहीं से मूव कर रही है, गुजर रही है, तो कुछ ना कुछ फासला भी तो तय करती है ना। जाहिर है तभी हमारे पास वेलोसिटी का वेक्टर आ रहा है। और अगर वेलोसिटी के वेक्टर की बात की जाए तो वेलोसिटी वेक्टर होता है फासले का वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फी यूनिट वक्त। जिसका मतलब ये है कि हम फोर्स को यूं भी लिख सकते हैं, क्यू बटा वेलोसिटी वेक्टर, जिसमें एल वेक्टर बटा टाइम जरब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसका वेक्टर। अब अगर आप चार्ज फी यूनिट वक्त को देखें तो हम ये जानते हैं कि Q बटा T बराबर होता है करंट के। जिसका मतलब ये है कि हम फोर्स को यूं भी लिख सकते हैं कि भाई ये हो सकता है I जरब L क्रॉस B। और अब ये दोनों भी चूंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो यहाँ ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट भी बन सकता है। मतलब ये है कि अगर मेरे पास सिर्फ एक चार्ज ना हो, अगर मेरे पास एक कंडक्टर हो जिसमें से चार्ज मुसलसल, मतलब चार्जेस का रेला है जो इस वायर में से, इस तार में से अगर गुजर रहा हो, तो अगर कुछ फासला ये तय करता है तो इस तार पे कुछ फोर्स लग रही होगी, कोई कुवत लग रही होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और ये कुवत हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो चलिए निकाल के देखते हैं। क्या फार्मूला बताया था भाई? फोर्स बराबर है आई डॉट एल क्रॉस बी के। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक करंट कैरियिंग कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिसमें से करंट गुजर रहा है 5 एम्पियर का, इस सम्प में करंट गुजर रहा है, और मैं चाहता हूं कि 2 मीटर की लंबाई पे कितनी कुवत लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, ये बताइए। और मैग्नेटिक फील्ड चूंकि ये क्रॉसेज हैं तो आप ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस सफ़े के या आपकी स्क्रीन के अंदर है। थोड़ा सा नीचे कर दूं तो चलिए भाई, फोर्स क्या हो जाएगी फिर? फोर्स बराबर होगी करंट जरब लेंथ का हजम, यानी लंबाई का हजम, जरब मैग्नेटिक फील्ड का हजम, जरब साइन थीटा। और फिर जाहिर है यूनिट वेक्टर से जब आप जरब देंगे तो सम्प्त पता लग जाएगी। लिखे ना लिखे इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि हम ये सम्प्त बना ही रहे होंगे। ठीक है भाई, तो करंट है 5 एम्पियर, लंबाई है 2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भाई? फर्ज कीजिए मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूँ 1 टेस्ला की। आसान आसान ही रहे ना, 1 टेस्ला ये हो गया, जरब साइन थीटा। थीटा क्या है भाई? 90 डिग्री है, क्योंकि करंट इस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का जाविया हुआ, गोया ये हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है भाई, गोया ये फोर्स लगेगी 10 न्यूटन की। और ये फोर्स किस सम्प में होगी? इसके लिए हम वही अपना राइट हैंड रूल, दाएं हाथ का उसूल इस्तेमाल करेंगे। अब ये हाथ वात बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, मैं आपको बस ऐसे ही बता देता हूँ। शहादत की उंगली कहाँ होगी भाई? जहाँ या जिस सम्प में आपका लेंथ का वेक्टर है, गोया यूं है, ये आपका हो गया लेंथ का वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ जाएगी इस सम्प में, माफ कीजिएगा ये करंट मैंने पीला बनाया था, तो करंट ये हो गया शहादत की उंगली, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर बी। तो फोर्स कहाँ बनेगी भाई? फोर्स आपकी बनेगी बिल्कुल दुरुस्त ऊपर की तरफ। दायां हाथ इस्तेमाल करेंगे तो आपका अंगूठा ऊपर की तरफ होगा, गोया 10 न्यूटन की फोर्स ऊपर की जानिब लगेगी इतनी लंबाई पे।